बिस्मिल्लाम अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं आज हम सफ़ा नंबर चौंतीस पे मौजूद सरगर्मी नंबर एक जो करने जा रहे हैं वो है लफ्स बनाइए लफ्स बनाइए यानी आपने दी गई तस्वीर को पहचानना है और फिर उसके बाद लफ्ज बनाने हैं सबसे पहले जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो एक दादा जान की तस्वीर है लफ्स दादा दालदा दाल दा मिलता है तो लफ्स दादा बनता है दाल लिख दा सबसे पहले जो हम लफ्स सेलेक्ट करेंगे यानी हमें जो लफ्ज़ ठीक लगेगा जो हम खाली जगह में लिखेंगे सबसे पहले उस लफ्ज़ के ऊपर आपने दायरा बनाना है उसके बाद उस लफ्ज को दी गई हाली जगह में लिखना है दालदा लिख के साथ जब दालदा लिख लिखेंगे तो लफ्ज़ दादा बन जाएगा आगे आपको एक बाजा की तस्वीर नज़र आ रही है बेलिफबा के साथ जब हम जीमलिपजाल गाते हैं तो लफ्स बाजा बनता है सबसे पहले आपने जीमलिपजा को सर्कल करना है उसके बाद जीमलिपजा को दी गई खाली जगह में लिख के लफ्स बाजा मुकम्मल करना है उसके बाद आपको एक काला रंग नज़र आ रहा है क्या फलिफका के साथ जब हम लामलिफलाल गाते हैं तो लफ्स काला बनता है लाम ला। इसके बाद आपको एक ताले की तस्वीर नज़र आ रही है तेरहता के साथ जब हम लामलफलाल गाते हैं तो लफ्स ताला बनता है इसके बाद एक तारे की तस्वीर नज़र आ रही है तेल रेलिफ रेलिफ तारा जब हम रेलिफ रा लगाएंगे तेल के साथ तो लफ्ज तारा बन जाएगा आगे आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो चाट रहा है यानी आइसक्रीम को चाट रहा है अपनी ज़ुबान की मदद से तो लफ्ज चाटा लिखने के लिए हम चेलिफ्टा के साथ टेलिफ्टा लगाएंगे तो लफ्ज़ चाटा बन जाएगा अब हम सरगर्मी नंबर दो की जानी पड़ते हैं जो कि है अलग कीजिए अलग कीजिए यानी आपको यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं आपने इनको इनके हरूफ़ को अलग करके दी गई हाल जगह में लिखना है सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है बाबा बे बेलिख बा बे बेलिफ बा, बाबा इसमें चार हरूफ का इस्तेमाल हुआ है बे अलिफ बे और अलिफ उसके बाद जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है चाचा इसमें भी चार हरूफ इस्तेमाल हुए हैं चे अलिफ चे अलिफ चाचा अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है सारा सीन अलिफसा रे अलिफ्रा सारा इसमें भी चार हरूफ सीन अलिफ रे और अलिफ इस्तेमाल हुए हैं अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है काटा क्या फलिफका टेलिफ्टा काटा इसमें भी चार हरूफ क्या अलिफ टे और अलिफ का इस्तेमाल हुआ है आपने इसी तरह अपनी बुक के सफा नंबर चौंतीस पे लफ्ज़ बनाने और अल्फाज के हरूफ को अलग करने की मश्क करनी है